जी जरा इनसे कहिए ना वहाँ बैठ जाए। अच्छा भाई साहब जी, जरा आप वहाँ बैठ लोगे, खाना खा ले। ओके। गुड्डी तू यहाँ आ जा बेटी, तू सको जी। हाँ जी। भाई साहब खाना खा लो। जी नहीं थैंक यू, अगर मैं खाना खाऊंगा ना तो आपका खाना कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम इलाहाबाद के लोग खाना बहुत खाते हैं। अच्छा तो आप इलाहाबाद के रहने वाले आएंगे? जी हाँ, जहाँ गंगा जमुना का संगम है, जहाँ के पंडित नेहरू हैं, जहाँ की इंदिरा गांधी हैं, और जहाँ की हमारी घरवाली है, ये भी इलाहाबाद की है। ले बेटे। एक तो दादा हम इधर बैठेगा। बैठी बैठी। नमस्कार दादा, आप बॉम्बे जाता है? जी हाँ। बॉम्बे हीरो बनने के वास्ते जाता होगा? जी नहीं है? मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। फिर क्या? फिर छोकरी? फिर छोकरी के बाद शादी, शादी के बाद एक दो बच्चे, क्योंकि हम इलाहाबाद के लोग फैमिली प्लानिंग में बिलीव करते हैं। इलाहाबाद का मेरे बाबा बहुत गुणवंती लोग होता है। बहुत अच्छा लोग होता है। हम इलाहाबाद का संगीत सम्मेलन में गया था 1985 में। उधर हमने एक गान में तान मारा, पब्लिक खुश हो गया। उधर का छोटा छोटा बच्चा लोग है ना गान गाता है। दादा अभी इलाहाबाद का है, अभी गान गाता होगा थोड़ा बहुत। दादा गाओ ना, गाओ गाओ गाओ। दादा टाइम पास हो जाएगा, बम्बई तक जाना है। आप गाएगा, हम म्यूजिक बजाएगा, गोपी दा म्यूजिक बजाएगा। गाओ 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 गाओ। चलो हो जाए। ओए रे मंडुली, इलाहाबाद का गान मास्टर आया है। हा हा, चलो चलो बजा बजा। 1 2 3 4 कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, रास्ता कटे बात आगे बढ़े, ये छोटी सी अपनी मुलाकात, ये छोटी सी अपनी मुलाकात, गाड़ी के साथ आगे बढ़े। कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, रास्ता कटे बात आगे बढ़े, रास्ता कटे बात आगे बढ़े। सफर मुसाफिर सभी
का इलाहाबाद का गान बहुत सुंदर है। आपके मेरा सामान तो नहीं ले जा रहे? अरे नहीं भाई, ये हमारा अपना है। और ये हमारा अपना है, देख लीजिए। तो फिर मेरा सामान कहाँ है? अरे भाई ये बम्बई है, बम्बई। जरा होशियार रहो और अपने पूरे बदन को आंख बनाकर जीना सीखो। यहाँ तो लोग आंखों से काजल भी निकाल लेते हैं और आंख वालों को पता भी नहीं चलता। हाँ। लगता है आपका सामान दादर पर किसी ने उतार लिया है। ये बम्बई का पहला सबक याद रखना। याद तो रखूंगा, लेकिन सामान तो गया ना चाचा, और फिर बम्बई में न किसी से जान न पहचान। भगवान सब ठीक करेगा बेटा। अच्छा हम लोग अच्छा चलते हैं। चलो बेटी। सर कुली, कुली साहब सामान। अरे सामान तो पहले किसी ने चोरी कर लिया, अब कुली के बुला के क्या करूं? अरे मेरा बटुआ, लगता मेरा बटुआ किसी ने चोरी कर लिया। मेरे पैसे और टिकट उसी में थे। साहब तब तो आपको बहुत बड़ा फटका लग गया। क्या लग गया? फटका? फटका नहीं समझता? नहीं। लगता है बंबई में तुम पहली बार आया है। हाँ भाई, आया तो यहाँ पहली बार ही हूँ। अरे यार एक बात बताओ, टिकट के बगैर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है? हाँ रास्ता है, वो देखो वो रेलिंग है, रेलिंग उसके ऊपर से छलांग मारकर तुम बाहर निकल जाओ। अच्छा। उधर स्पेशल चेकिंग हो रही है, कहीं पकड़ लिए ना तो सीधे अंदर चल जाओगे, समझे? आया साहब। एक किधर जाता है? लगता है कोई विदाउट टिकट पकड़ा है। कौन है रे, ऐसा कैसा अपनी टैक्सी में घुसा चोरों की तरह? मैं चोर नहीं हूँ भाई साहब। चोर नहीं तो क्या साथ है? तो फिर ये पुलिस वाला तेरे पीछे क्यों लगा है? क्या चुराया? मैंने कुछ नहीं चुराया, उल्टा मेरा ही सब कुछ चोरी हो गया। कहाँ चोरी हो गया? ट्रेन में, मेरा बटुआ भी चोरी हो गया, उसमें मेरा ट्रेन का टिकट था। बिना टिकट के बाहर आया हो ना, इसीलिए पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। तू सच कह रहा है? इलाहाबाद के लोग कभी झूठ नहीं बोलते भाई साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अल्लाह तू इलाहाबाद का है जी? अरे फिक्र मत कर, फिर तो बॉम्बे का अखा पुलिस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ अंदर कर। तो तुम इलाहाबाद से आए हो? हाँ, लेकिन इलाहाबाद का नाम सुनकर तुम इतने चौंक क्यों गए? भाई मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद के आदमी को जरा तकलीफ हो जाए तो कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम राम है। अच्छा। हाँ। मेरा नाम रहीम है। अच्छा, कहाँ चोरी हुआ था सामान? दादर और वीटी के बीच में। दादर वीटी के बीच में जी? फिर तो मिल जाएगा सामान। मिल जाएगा? वो कैसे? वो क्या है कि बॉम्बे के टैक्सी वाले सब जानते हैं कि चोर कौन है, पुलिस कहाँ है, स्मगलर कहाँ है, जेब कतरे कहाँ है। सामान तुम्हारा मिल जाएगा, मुझे बस थोड़ा सा काम है। कल एक पैसेंजर को उठाया था सहार एयरपोर्ट से, वो अपना सामान भूल गया गाड़ी में, छोड़ दूं, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा सामान भी दिलवा दूंगा। मैं अभी आता हूं। बहुत देर कर दी साहब, कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। कहाँ है साहब? अंदर हॉल में।
वहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ। कौन सी जगह है ये? ये साधु नगर है, चोर रहते हैं साले। तुम्हारा जो सामान चोरी हुआ ना, यहीं से मिलेगा। मैं भी चलूं? अरे तो ठहर ना, मैं भी आता हूँ। नहीं भाई, वो देखो, ये किसी शाम को सामान बेचने जा रहा होगा। चल। देख तो इनमें है कोई तेरा? अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे चले आए? चलो बाहर चलो, चलो। ओए, हाथ नीचे रख वरना तोड़ के गले में डाल दूंगा। अरे ओ मुन्ना, कौन है ये छिजुंदर जो मेरे घर में मेरे आदमी को मार रहा है? ये तो रहीम है, टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर? एक मामूली टैक्सी ड्राइवर का मेरे घर में क्या काम? गणपत, यह मेरा दोस्त राम, आज ही इलाहाबाद से आया। इलाहाबाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। मतलब की बात कर, चल। ओए ओए, भाव नहीं खाना। देख, इसका सामान चोरी हुआ है दादर और वीटी के बीच में, और दादर और वीटी के बीच का इलाका है तेरा। सीधी तरह इसका सामान दे दे, वरना तू जानता कि मैं फिर तेरी। देख भाई रहीम, हाथी के मुंह में गन्ना चला गया सो चला गया। ऐसा कर, ठंडा पानी पी और फुटास कर, चल। ए गणपत, सामान तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मुन्ना, अगर ना दूं तो? हाथी के मुंह से गन्ना कैसे निकाला जाता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। उठाकर बाहर फेंक दो साले को। संभाल, इस गैंडे को मैं देखूं। कहाँ है सामान? गैंडे बता दे। बताता हूँ, वरना मैं कहाँ से निकालूंगा गन्ना, तू अच्छी तरह जानता है। बताता हूँ। अबे ओ राजू कालिए, तूने इसका सामान उतारा था ना, जल्दी से वापस कर दे। कहाँ जाएगा, चल छोड़ देता हूँ। मुझे किसी धर्मशाला में छोड़ दो। धर्मशाला? अरे भाई, यहाँ बॉम्बे में धर्मशाला नहीं होती। यहाँ या तो होटल होते हैं, या कोली होती है, चाल होती है, या फुटपाथ होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यहीं कहीं फुटपाथ पे रह लूंगा। मैं यहीं कहीं फुटपाथ पे रह लूंगा। आज तो तेरा सामान वापस दिलवा दिया, कोई फिर लेगा तो पाताल से नहीं मिलेगा। क्या करके लेते हो तुम? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया है। बीए से क्या होता है? बीए तो बेचारे यहाँ गैराज में क्लीनर हैं। और तुझे वो गाड़ी चलानी आती है? इलाहाबाद के लोग देश चला लेते हैं, गाड़ी क्या बात है। बात बन गई, अपना एक यार है, उसकी टैक्सी खाली पड़ी है। परसों कह रहा था कि उसको एक ड्राइवर की जरूरत है, जब तक काम नहीं मिलता तो टैक्सी चलाना और मेरे साथ खोली में रहना। आपके साथ? हाँ, क्यों? अरे चलना यार। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे मारे पूछने वाले तुम कौन होते हो? जी मैं राम, राम कुमार सिंह। ये मेरा दोस्त राम है, आज ही इलाहाबाद से आया है। इलाहाबाद से? जी हाँ, इलाहाबाद, जहाँ गंगा जमुना का संगम है, जहाँ की पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, जहाँ के तुम और रहीम हो। इलाहाबाद में सब होता है क्या? अगर मेरी टांग टूट फूट गई होती तो भी मैं शादी तुमसे ही करता, और लंगड़ी होती तो भाग कर कहीं नहीं जा सकती। और मैं बड़े प्यार से कहता, मेरी लंगड़ी रोज़ी। चल हट। रहीम भैया। क्या? अरे
अरे भैया असली मगही पता आई गवा है चावला दुठो बीड़ा चूना छक्के। अबे जा बे है असली क्या के नकली खिलाते रहते हैं। भैया यहाँ तो हर चीज नकली मिलती है, पान नकली, दूध नकली, चाय नकली, शराब नकली, यहाँ तक कि आदमी भी नकली। ये कौन है रहीम भाई? ये मेरा दोस्त है इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? अरे सामने खड़ा नजर नहीं आ रहा। नमस्ते। ये नहीं चलेगा, एक बार धोखा खा लिया दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। अरे तू सुधरेगा या नहीं? माफ करना भाई साहब। रोजी इसे समझा ले, अपने आदमी की जेब मारता है, अब खड़ा क्या देख रहा है, जाके सामान निकाल डिक्की में से। भैया कप चाय हो जाए सबके लिए। हाँ, ग्रेट, चलो चलो। ओके पांडू भाई। अच्छा भाई राम, ये है मेरा बंगला, तुम्हारा बिस्तर भी यहीं लगा दूंगा। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता मेरी वो टैक्सी है ना, तुम चलाते रहो, आराम से यहीं रहो। हा? मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी रहीम भाई? क्या बात करते हो भाई, कहते हो साथ में तकलीफ की बात कर रहे हो। रहीम भाई ये रोजी, रोजी रोजी अपनी डार्लिंग है, मोहल्ले में रहती है माँ के साथ, बाप है नहीं बेचारी का, ढाबा चलाती है, हम लोगों का पेट भर जाता है, उनका घर चल जाता है। ये लो रोजी, आज से दो आदमी का खाना बनाना, राम भी यहीं रहेगा। क्यों, ये तुम्हारा सगे वाला है क्या? सगे वाले बहुत बड़े होते हैं, ये सगे वालों से भी बड़ा है, मेरा यार है, अरे बीए पास है, बहुत बड़ा अफसर बनने वाला है। राम भैया अगर आपको अफसर की नौकरी मिल जाए तो मुझे अपना चपरासी रख लेना। और अगर चपरासी की नौकरी मिली तो फिर मैं आपका अफसर बन जाऊंगा। बहुत चल गया। रहीम भाई आज आप रात को खाना जल्दी खा लेंगे ना? क्यों तुम्हें कोई मुजरा सुनने जाना है? नहीं मुझे जरा बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है रात को। रहीम बेटे तू आ गया। सलाम सलाम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कहाँ घूमता रहता है इतने इतने दिनों तक, तुझे देखने को आंखें तरस जाती है बेटा। अम्मा तू अच्छी तरह जानती है अपनी टैक्सी बम्बई से पूना, पूना से कोल्हापुर, कभी शोलापुर, कहाँ कहाँ भटकता रहता हूँ, जैसे ही वक्त मिलता है उड़ के अपनी अम्मा के पास आ जाता हूँ। एक बात सुन ले, अगर तेरा यही हाल रहा ना तो तू किसी दिन आएगा और तुझे पता लगेगा कि पिछले ही महीने तेरी अम्मा गुजर गई। ऐसे लफ्ज़बान पर मत लाना, तेरा साया तो हमेशा मेरे सर पे बना रहे। मैं तो जब भी जुमे की नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरी उम्र के भी 10-20 साल मेरी अम्मा को लग जाए। तेरे मुंह में खा, खबरदार फिर कभी ऐसी मनहूस बात मुंह से निकाली तो। माफी अम्मा, पारा डाउन बिल्कुल। अरे ये टॉमी इतना खामोश क्यों बैठा है, क्या उसको? रेशमा नहीं आई है ना? और फिर आज सवेरे इसने मेरी डांट भी खाई है। अच्छा, माटी मेला ठीक से नमाज ही नहीं पढ़ने देता। ये मुझसे भी नाराज है। ए ए डामी डामी, किधर चला? कहीं नहीं गया, रेशमा कॉलेज से आ गई होगी ना। रेशमा रही कॉलेज से? हाँ, और इसकी नाक बिल्कुल खुफिया पुलिस जैसी। अच्छा। दूर से सूंघ लेता है कि रेशमा आने वाली है। हाँ बेटा, तो मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ। सुनो वो पत्ती जरा तेज रखना, 100 मील वाली, थकावट दूर हो जाती तेरे हाथ की चाय पी के। टॉमी टॉमी डर गई, तूने समझा कि भैया एलसेशन कुत्ता ले आया घर में? हा? क्या भैया, आते ही मुझे डरा दिया। अरे मेरी प्यारी बहन, अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है कॉलेज में? वो तो ठीक चल रही है, लेकिन पहले ये बताओ इतने दिन बाद कैसे याद आई हमारी? हमें मालूम था अम्मा के बाद ये गिला शिकवा आप भी करेंगी, लेकिन एक बात सुनो, बस थोड़े दिनों की बात है, ये रूट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, यानी कि बम्बई पुना सितारा बंद। सच? टैक्सी सिर्फ बम्बई में चलेगी, जल्दी घर आऊंगा, तुम्हारे और अम्मी के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा। अरे तू झगड़ा बंद कर, मैंने पानी चढ़ा दिया है, तू अपने भैया को चाय पिला दे। चल। चाय वाय कुछ नहीं अम्मा, आज मैं भैया को बिना खाना खिलाए नहीं भेजूंगी। और आज हम भी बिना खाना खाए नहीं जाएंगे। We'll be right back.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। ये रही उस केस की फाइल। थैंक यू। राम साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? कातिल की तलाश के लिए आपने उसी बस्ती को क्यों चुना? इसलिए कि निरंजन सेठ का कत्ल किसी ट्रक ड्राइवर ने किया था और उस बस्ती में ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ही हैं। लेकिन आप उस बस्ती में पहुंचे कैसे? ये सब पुलिस वालों के पैंतरे हैं। मैंने एक आदमी से दोस्ती की जो टैक्सी चलाता है, रहीम नाम है उसका, इलाहाबाद का रहने वाला है, बहुत नेक इंसान है। इलाहाबाद उसकी कमजोरी है, इलाहाबाद के किसी भी इंसान को वो तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए नाटक करके वहां पहुंच गया। हो सकता है ये खून उसी ने किया हो। मुझे नहीं लगता, वो इस किस्म का इंसान नहीं है। फिर भी देखते हैं, मैं वहीं पर हूं उसके घर में। राम साहब। हाँ जी। इसी स्पेशल ड्यूटी के लिए आपको यहां बुलाया गया है, पूरे डिपार्टमेंट की नजर आप पर है। मैं जानता हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। इस फाइल में आप क्या ढूंढ रहे हैं? इस पेपर कटिंग को, शायद यही हमारे काम आ जाए। ओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड लक सर। राम भैया। हाँ जी। रहीम भाई नहीं है घर में? नहीं। अरे मैं तो दो कप चाय लेकर आया था। तो एक कप चाय तू भी ले, बैठ जाए यहाँ पर। नहीं नहीं, आप बैठिए। मैं तो बैठने जा रहा हूँ। अबे चुप, हमारे इलाहाबाद में कोई अकेले चाय नहीं पीता, बैठ जाए चुपचाप। राम भैया, वैसे आप आदमी बहुत फर्स्ट क्लास हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर आप अच्छे आदमी नहीं होते तो फिर रहीम भाई आपके साथ दोस्ती नहीं करते। तुम्हारे रहीम भाई में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं? अरे एक थोड़ी, हजारों अच्छाइयाँ रहीम भाई में। दिन भर चक्के की तरह पिसता रहता है, ट्रक की तरह चलता रहता है, लेकिन अपने एग्जॉस्ट का धुआं किसी और को लगने तक नहीं देता। राम भैया, उसकी छाती में जो दिल है ना, दिल उसकी डील से भी डबल है। अरे जितना कमा के लाते हैं सब बस्ती वालों पे खर्च कर देते हैं, अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं उनके पास। अब देखो ना, तुम उनके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी तुम्हें अपने भाई की तरह चाहने लगे हैं वो। और जानते हो, रहीम भाई ने ना जाने कितनी भागदौड़ करके तुम्हारे लिए टैक्सी के लाइसेंस का भी बंदोबस्त कर लिया है। हाँ, लेकिन बस उनमें एक ही डबल खराबी है। वो क्या? अरे मेरे को ना पत्ता खेलने देते हैं, ना जेब काटने देते हैं। अबे ये खराबी है क्या? चल जापी। कौन है? अरे रहीम, हम हैं घर पे। अमित जान। अमित जी। अमित जान जी। मम्मी घर पे नहीं है, लेकिन क्या बात है, आज मम्मी को बहुत याद कर रहे हो। क्या ना रोजी, आज जुमा है, मैंने सोचा था अमित के पैर छूंगा, बहुत सारी दुआएं लूंगा आज। वाह चालू हो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मम्मी इस वक्त चर्च जाती है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि वो चर्च गई होंगी। ये क्या है, ये भी मम्मी के लिए? नहीं नहीं नहीं, अरे ये दिल्ली दरबार की बिरयानी है, कभी कभी इसमें सख्त हड्डी आ जाती है, मम्मी का जबड़ा बाहर आ जाएगा। ये तो मैं अपनी डार्लिंग के लिए लाया हूँ। अरे रोजी, ये क्या है? क्या हो गया आँख में? ये क्या कर रहे हो, दरवाजा खुला है। अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ, दरवाजा भी बंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं, देखो तुम जब तक मुझसे शादी नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये दरवाजा बंद करने का कोई हक नहीं है। मम्मी भी पूछ रही थी तुम मुझसे शादी कब करोगे। डार्लिंग मेरा बस चले, मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारियाँ? मेरी एक छोटी बहन है, मैं सबसे पहले उसकी शादी करना चाहता हूँ। बहन? तुम्हारी बहन भी है? हाँ, मेरी एक बहन है, मेरी माँ भी है। मगर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ और बहन भी है। रोजी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। तो बताओ ना, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अपनी माँ और बहन से क्यों नहीं मिलवाया? अरे वो शहर में होती तो मिलवाता ना, वो बेचारी तो गाँव में है, और जैसे यहाँ आएगी सबसे पहले तुमसे मिलवाऊंगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतु मज़नानी। राम भैया कहाँ गए थे सुबह सुबह? मंदिर गया था दर्शन करने। गाड़ी साफ हो गई? आपकी हो गई, बस ये रहीम भाई की कर रहा हूँ। राम। यस। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे यार? तुम सो रहे थे, मैंने सोचा आज टैक्सी का श्री गणेश करना है तो मैं महालक्ष्मी मंदिर चला गया, तुम्हारे लिए मलाई के लड्डू लेकर आया हूँ। तुम खाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। क्या बात है, मलाई के लड्डू तो यार इलाहाबाद में वो अपना साधु हलवाई थे ना, उसके बड़े अच्छे थे, लग तो ये भी बात अच्छी रहे। बोल जा यार, कहाँ चला है? मंदिर के बाहर ही दुकान है। मुझे मोटा कर रहा है, ले ले ले, थोड़े तू भी खा रहे।
मैं वहीं से खा कर आया हूँ। ये तेरे और रोजी के लिए है, उसके लिए भी बचा कर रखना। रोटी रबड़ी खाती है यार, वो वही नहीं खाती। हाँ बदमाशी नहीं चलेगी। बंद कर, बंद कर यार। अरे ये क्या है? बंबई के समाज सेवक भूतपूर्व एमएलए निरंजन सेठ की हत्या। पुलिस को किसी ट्रक ड्राइवर की तलाश है जिसने उनके घर में घुसकर उनका कत्ल किया। रहीम अपनी बस्ती में तो सब ट्रक ड्राइवर रहते हैं कहीं। अरे यहाँ सब शरीफ हैं यार, ट्रक ड्राइवर क्या मर्डरर होते हैं? कहाँ लिखा है? ये तारीख देखी क्या? 6 महीने पुराना अखबार है। अब तक तो बेचारे उस कातिल को शायद फांसी लग गई होगी। आज खुशी के मौके पर ये मर्डर मर्डर कहाँ तुम्हारे दिमाग में आ गया? लोग इंतजार करें, चलते यार हो जल्दी। और सुनो, जब रहीम भाई राम भैया को गाड़ी की चाबी देंगे ना तो सब बच्चे ताली बजाएंगे, समझ गए? शाबाश। अरे क्या चक्का चक्कर रखी है गाड़ी। अरे रोज ही आ जा मिठाई। जय बजरंग बली। ताली बजाओ। ये ले चाबी। अल्लाह बरकत दे। बहुत से टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं, लगता है पैसेंजर को गाड़ी में बिठाकर वो उन पर एहसान कर रहे हैं। आपने तो बड़ी इज्जत से मुझे अंदर बिठाया। आपका फोटो अखबार में छपना चाहिए, आप एक आदर्श टैक्सी ड्राइवर हैं। अरे मैम साहब, इलाहाबाद के लोग ऐसे ही सबकी इज्जत करते हैं। अच्छा तो आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं जहाँ के अमरूद मशहूर हैं? अरे नहीं मैम साहब, इलाहाबाद का गंगा जमुना का संगम मशहूर है, जवाहरलाल नेहरू मशहूर हैं, इंदिरा गांधी मशहूर हैं, हरिवंश राय बच्चन मशहूर हैं, जिनकी मधुशाला आप पढ़ रहे हैं। तो आप मधुशाला के बारे में भी जानते हैं? अरे मैम साहब, इलाहाबाद के लोग बहुत जानकार रहते हैं। चले तो तलवार, गले पड़े तो फूलों का हार। अच्छा ये बताइए कहाँ जाना है आपको? मिठीबाई कॉलेज। ओ तो आप वहाँ बीए में पढ़ती हैं? आपने कैसे जान लिया कि मैं बीए में पढ़ती हूँ? अरे बच्चन जी की मधुशाला जब हम बीए में पढ़ते थे तो हमारे कोर्स में भी थी। आप बीए भी हैं? कमाल के आदमी हैं। अरे कमाल तो इलाहाबाद की मिट्टी का है। अब अमरूद को ही ले लीजिए, होने को तो सब जगह होता है सुसरा, ना शक्ल ना सूरत, लेकिन इलाहाबाद का अमरूद ऐसा है कि अगर घर की बेटी ऐसी हो जाए तो लड़के वाले बगैर दहेज के ब्याह कर ले जाएं। आप तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। टैक्सी कब से चला रहे हो? आज ही श्री गणेश किया है, ये हमारी पहली टैक्सी है और आज हमारी ड्राइविंग का पहला दिन है और आप हमारी सबसे पहली पैसेंजर है। होकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? बात ही है मैम साहब, काम तो काम ही होता है। नया नया बम्बई आया हूँ, बेकार बैठने से तो अच्छा है कि टैक्सी चला लूँ। जब कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो टैक्सी चलाना छोड़ दूंगा, है ना? ये लीजिए आपका कॉलेज आ गया, एक मिनट यही रोक लेता हूँ। ये रहा। मेरा पर्स कहाँ गया? मैंने नहीं लिया, इलाहाबाद के लोग चोर नहीं होते, यही कहीं गिरा होगा, देख लीजिए। लगता है मैं घर पर भूल आई हूँ। अब आपका किराया कैसे दूंगी? खैर कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, आज आपका टैक्सी चलाने का पहला दिन है और मैं आपकी पहली पैसेंजर हूँ, आपकी तो बोनी खराब हो गई। आप एक मिनट रुकिए, मैं किसी से लेकर आती हूँ। कितना हुआ? 9 रुपए 70 पैसे। एक मिनट। हाँ हेलो,
हाय रेशमा। अरे हाय बाद में करना, पहले जरा 10 रुपए देना। मैं अपना पर्स घर पे भूल आई हूँ और टैक्सी बाहर खड़ी है। लो। थैंक्स। ओके। अरे ये गए कहाँ? पैसे भी नहीं लिए। अरे राम तू आ भी क्या? 10, 20, 30, 40, 50, 60 180 रुपए 60 पैसे आज का धंधा। आज का धंधा इतना? यार मेरा तो पहले दिन का कोई 40 रुपए ही हुआ था। धंधा तो इससे भी ज्यादा हुआ था, लेकिन इसमें 9 रुपए 70 पैसे कम है। क्या रे, तू तो कहता था कि इलाहाबाद के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, आते ही हेराफेरी शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं रही भाई, एक लड़की अपना पर्स भुलाई थी। ऐसी लड़कियां बम्बई में रोज मिलेंगी जो तुझे बेचकर खा जाए। नहीं नहीं, वो इस तरह की लड़की नहीं लग रही थी, किसी अच्छे खानदान की लग रही थी। अच्छा, कैसी थी? गोरी थी, काली थी? गोरी थी। खूबसूरत थी? खूबसूरत थी। नाम क्या था? नाम तो मैंने नहीं पूछा। नाम पूछा नहीं, पैसे छोड़ दिए? पैसे छोड़े नहीं, उधार दिए, वापस मिल जाएंगे। रहती कहाँ? मुझे नहीं मालूम। अपना एड्रेस दिया उसे? नहीं। हाँ तो फिर लौटा देखिए। अरे तू रहा भैया का भैया। रे भाई वो आज फिर कुंदन अपनी बीवी को मारा है दारू पी के, चलिए ना आप। अरे इस कुंदन की तो मैं दारू की, चल चलिए। पैसे निकाल। नहीं है पैसे मेरे पास। अरे मेरा जीना मुश्किल कर दिया तूने, चल हाथ कुत्ते के पिल्लो, सब देखो किट किट करती रहती है। लेकिन मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। इसी तरह खून बोलता है? क्यों मुझे कुछ नहीं बोलती? तेरी आंखें बोलती है, तेरी आंखें इल्जाम लगाती है मुझ पर। आज तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। शर्म नहीं आती बीवी पे हाथ उठाता? ये बीवी नहीं, जब पैसे मांगता हूँ चिल्लाते रहती है। तुम ठीक कहते हो, लालच है मुझ पर, लालच है। मुझे मारो रहीम भाई, मुझे मारो। मैं बेकार हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, अपनी बीवी और बच्चों का पेट नहीं भर सकता। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए रहीम भाई, मुझे मर जाना चाहिए। पागल हो गया कुंदन, होश में आओ। कुंदन कोई कसूर नहीं रहीम भैया, दरअसलिए हम लोग को भूखा नहीं देख सकते और हम लोग का पेट भी नहीं पाल सकते। बेरोजगारी का गुस्सा हम पर ही तो उतारेंगे ना। तेरे पास काम नहीं है ना? मैं तुझे नौकरी दिलवाऊंगा और जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती, इस घर का सारा खर्चा मैं चलाऊंगा। ठीक है, चल अंदर चल। अरे इलाहाबादी जी, आप आज? अगर मैं भगवान से कुछ और भी मांगता ना तो मिल जाता। अच्छा, ऐसा क्या दे दिया भगवान ने? दिया नहीं, क्योंकि मैंने मांगा नहीं ना। वैसे मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। हाँ यही सोच रहे होगे ना कि पहले दिन पहली सवारी ने किराया नहीं दिया। अरे ये बात नहीं है मेम साहब। मेरा नाम रेशमा है मेम साहब, नहीं। आई एम सॉरी, मेरा नाम राम है। उस दिन तो मेरी बस छूट गई थी, वरना मैं कोई रईस दादी थोड़ी हूँ जो रोज रोज टैक्सी में कॉलेज जाऊँ। अच्छा, उस दिन मैं पैसे लेकर आई थी, तुम कहाँ गायब हो गए थे? एक सवारी मिल गई थी, उस दिन कमाल की बुनी हुई। उस दिन से लेकर आज तक धूम धड़ाके का बिजनेस हो रहा है। ये लो तुम्हारे 9 रुपए 70 पैसे। अरे नहीं नहीं, ये पैसे ना लेने की वजह से तो बिजनेस हो रहा है। हो सकता है ये पैसे ले लूं तो बिजनेस ही ठप हो जाए। तुम इन बातों में विश्वास करते हैं? जरूर, हम इलाहाबाद के लोग इन बातों में बहुत विश्वास करते हैं। हम लोग तो यहाँ तक विश्वास करते हैं कि अगर हमारा पहला ग्राहक हमारे साथ एक कप चाय पी लेना तो हमारी किस्मत ही पलट जाए। अच्छा, कहाँ पिलाओगे चाय? वो सामने हम गरीबों का ताजमहल है, लगता है बारिश आने वाली, चले। अरे वाह चाचा जी, 2 कप बढ़िया चाय बनाना, हमारे खास मेहमान है। अभी लो राम भैया।
सावन के बादलों की, सावन के बादलों की, बादलों की नीयत बड़ी खराब है। वर्षा है अब के साल जो, पानी नहीं शराब है। सावन के बादलों की, सावन के बादलों की, बादलों की नीयत बड़ी खराब है। अपनी मोहब्बतों का मौसम ये लाजवाब है। सावन के बादलों की नीयत बड़ी खराब है। सावन के
नीयत बड़ी खराब, नीयत बड़ी खराब। बरसा है अब के साल जो पानी नहीं शराब, पानी नहीं शराब है। अपनी मोहब्बतों का मौसम ये लाजवाब है। रेशमा कहाँ खो गई? चाय ठंडी हो रही है। राम को बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्या हुआ? सेंटूर होटल के बाहर सूट बूट पहने हुए मेरे सामने से गुजर गया, मुझे पहचाना तक नहीं। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कब? अभी थोड़ी देर पहले। अरे यार वो अंदर आके कब से बैठा है? क्या? हाँ ये कैसे हो सकता है? चलो तुम अपनी आंखों से देख लो। ये देखो बैठा है यहाँ। क्या हुआ? तुम यहाँ? तो वो कौन था? वो कौन यार? बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का आदमी सूट वूट पहने लंबी सी गाड़ी में मेरे सामने से गुजर गया। मैं राम राम चिल्लाता रहा, उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। मुझे तो लगा 100% तुम हो यार। अगर वो मैं था तो फिर मैं कौन हूँ? लगता है आज तुम ज्यादा ही पी गए। रोजी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा कुछ जुड़वा भाई तो नहीं था जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया हो? ये बिछड़ने वाली बातें फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। कहीं आज राम और श्याम पिक्चर तो नहीं देखा? चुप। एक काम कर, मेरे लिए एक बाटली का इंतजाम कर दे। इशारा समझ गई? इसको पीने का बहाना चाहिए था। यार आज मेरा भेजा कुछ ढीला हो गया है। एक बाटली का इंतजाम और दो फिश फ्राई भी ले आना। यार मैं तो इतना अपसेट हो गया था, मुझे लगा मेरे दोस्त ने मुझे पहचाना नहीं। अभी फिश फ्राई आ रही है, ठीक हो जाएगा तू। हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। वेयर रोजी? अंदर है। वाह! हैप्पी क्रिसमस। दिस आई गिफ्ट यू। गिफ्ट? इसमें क्या है? देखो इसकी आड़ी टेढ़ी पैकिंग पे मत जाना, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज लाया हो। अच्छा जल्दी से पहन लो, मम्मी को प्रेस करेंगे। क्या करेगा? मम्मी को प्रेस करेंगे। प्रेस नहीं, इंप्रेस। इंप्रेस वही तो बोल रहा हूँ, प्रेस करेंगे। अच्छा सुनो, इधर आओ, ज्यादा मत पीना। हाँ समझ गया, मम्मी को प्रेस करना चाहती है ना। यार इसको प्रेस समझ में नहीं आ रहा, कमाल है, इंग्लिश ही तो है। क्रिसमस इज वेरी हैप्पी क्रिसमस। आओ रहीम बेटे बैठो। नहीं अम्मी जी आप बैठिए। नहीं नहीं आप बैठिए ना। बैठो बैठो लीजिए। मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। नहीं अम्मी जी मैं ये नहीं पीता। ये गॉड का प्रसाद है बेटे। नहीं जी नहीं नहीं, गॉड का प्रसाद है तो फिर इतनी सी डाल दीजिए। अच्छा थोड़ी सी लो बेटे। अम्मी जी एक मिनट इसे पकड़िए, मेरे कान में डाल दीजिए। अम्मी लविंग टू मच, हैप्पी क्रिसमस। यू नॉटी बॉय। बाट लीजिए बाट लीजिए। मैं सोडा लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, कहते हैं सोडा डालने से हाथ कांपने लगते हैं, ऐसे ही ठीक है। हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लवली बढ़िया, लवली बढ़िया। थैंक यू वेरी मच रोजी। ओह रहीम, इतना अच्छा ड्रेस लाए हो तो डिनर के लिए भी ले चलोगे ना? माफी बेबी, वेरी ब्यूटीफुल लविंग। ओह
मैंने नहीं पीना, मैंने बोला कि तुम रोजी को लेकर डिनर पे जाओ। मम्मी को भी साथ ले चलते हैं। नहीं बेटी, अब डिनर पे जाने के तुम्हारे मम्मी के दिन खत्म हो गए। तुम रहीम के साथ डिनर पे जाओ, मैं अकेली बैठकर तुम्हारे डैडी को याद करूंगी। जाओ बाय। आओ राम बाबू, कैसे हो? ठीक हूँ। अरे ये कौन है भैया? इन्हें नहीं पहचानते? अरे भाई अपने राम बाबू हैं, इलाहाबाद के रहने वाले। अच्छा अच्छा, आप भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे भैया तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न कर दिया तुमने, अब हम सूखे गले से थोड़े बोल सकते हैं। लो तुम भी पियो। नहीं मैं शराब नहीं पीता, इलाहाबाद के लोग शराब नहीं पीते। अभी नए नए आए हो बाबू, जब हमारी तरह पुराने हो जाओगे तो पीने लगोगे। हम 15 बरस से पी रहे हैं बाबू, मगर साली की कड़वाहट कम होने का नाम ही नहीं लेती। आपने बताया नहीं कि आप कहां के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है। अरे अब तो अपना नाम ही भूल गए बाबू, अब तो हम MRP 2498 हैं। बैटरी कमजोर, क्लच प्लेट घिस गए हैं, बुशिंग धीरे धीरे कटती जा रही है। अरे बाबू घर की याद करने से छाती में दर्द होने लगता है। अब तो ये ट्रक ही हमारे घर हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कभी तो घर वालों की शक्ल तक धुंधला जाती है। हम ट्रक ड्राइवरों की कोई जिंदगी है? महीनों तक अपने घर वालों की सूरत तक नहीं देख पाते। इस गनी भाई को देख रहे हो तुम? आज इसके बच्चे का जन्मदिन है, काम पर नहीं गया, सुबह से ही अपने बच्चे की याद करके रोता जा रहा था, इसलिए हम सब लोग मिलकर इसके बच्चे का जन्मदिन मना रहे बाबू। कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे। आओ पांडू हाथरसी उर्फ सैगल साहब मरहूम, लो तुम भी पियो। अरे मुन्ना भाई तुम भी कमाल के आदमी हो, खत का मजबून भांप लेते हो लिफाफा देखकर। इलाहाबादी बाबू ये मुन्ना जो है ना, ये आदमी नहीं कुआं है, कुआं प्यास से खुद ब खुद खींचे चले आते हैं इसके पास। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गप्पे मार रहे थे। तो जाओ अपनी जात बिरादरी के लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारो। अरे ये ठहरे जात के ट्रक ड्राइवर और तुम ठहरे जात के टैक्सी ड्राइवर, तुम छोटी सवारी वाले और ये लंबे सफर वाले हैं? जाओ तुम यहां अपना वक्त खराब मत करो, जाओ। ये इलाहाबादी बाबू भी एक बंद लिफाफा है और जो खत इसके अंदर है वो पता नहीं किसके नाम का है। रहीम आओ राम, आओ। उठ गए मियां, मालूम है कल रात को तुम्हारी क्या हालत थी? बस कर यार, कल क्रिसमस ही, थोड़ी दारू ज्यादा होगी। ये सब क्या है? इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। मेरे लिए? हाँ, और इसमें रोजी के लिए कुछ ड्रेसेस हैं। मेरे लिए? किस खुशी में? मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है, 2500 रुपया पका रहे। अरे 2500? हाँ। मैंने कहा था ना रोजी, मेरे यार को बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। मैं तो आज चर्च जाके कैंडल जलाऊंगी। अरे एक कैंडल से काम नहीं चलेगा, 2 कैंडल जलाने पड़ेंगे। वो क्यों? इसलिए कि कंपनी ने मुझे नौकरी के साथ साथ रहने के लिए फ्लैट भी दी। इसका मतलब तू घर छोड़कर जा रहा है? हाँ, चौंक क्यों गए? कब जा रहा है? कल। इतनी जल्दी?
जब जाना ही है तो कल क्या परसों क्या? राम, अभी तो हमारी दोस्ती शुरू हुई है, इतनी जल्दी छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा था मेरा छोटा भाई मिल गया है, उसे जी भर के बातें करूंगा, अपने दुख दर्द बांटूंगा, अब मेरे दिल के अरमान के दिल में रह जाएंगे। अरे तुम तो एकदम इमोशनल हो गए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त को एक अच्छे से नौकरी मिल गई है, रहने को अच्छा घर मिल गया है, कल जब उसकी शादी होगी बाल बच्चे होंगे, तुम नहीं चाहोगे कि उसका अपना घर हो? हाँ राम, तुम अपनी शादी पे हमें बुलाओगे ना? अरे क्यों नहीं, और फिर मैं ये शहर छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, तुम लोगों से मिलता रहूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो रहीम, ना ही मैं तुम्हारे दिल में कोई जगह छोड़ने वाला हूँ, और ना ही अपने दिल से तुम्हें निकलने की इजाजत दूंगा। अब मूड मत खराब करो, तुम भी खोलो रोजी। हाँ बताओ कैसा लगा मेरा प्रेजेंट तुम दोनों को? अरे ये तो बहुत बहुत अच्छा है। वाह तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है। थैंक यू। तुमको हमारा साइज किसने बताया? रहीम ने। कब? मैंने कब बताया? नहीं नहीं बात ऐसी है रोजी, हर खूबसूरत लड़की का एक ही साइज होता है, 36 24 36। ये 100 की चाल और आई। मैं पैक। पैक चलो। अरे भाई मैं भी पैक। हाँ भैया ये लो 200 की चाल। 200? पैसे ही खत्म हो गए, ये आखिरी 200 है, चल शो कर दे। आय हाय कलर है राजा चकाचक। आज दो बेग में साली धोखा दे गई। अरे तीसरी भी कम कहां गई, कौन भगाई लेगा वाका? ससुर का नाती चूका भाला है। बत्ते बाट। अबे पहले पैसा ला। पैसे आ जाएंगे यार। नहीं चल पैसा ले आ। यार 5 रुपए देना मेरे को। जुए में उधारी नहीं चलेगी। 5 रुपए देना यार। यार मैं भी हारेला हूँ यार, मेरे पास तो पहले कम है यार। ठीक है दोस्तों ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग पत्ते बांटिए और मेरे भी बांटिए, मैं अब भी लेकर आता हूँ पैसे, अब भी लेकर आता हूँ। जल्दी भागने जरा सर। सर बाबुल मरा नहीं हर छूट जा। पांडू भाई क्यों विदाई के गीत गा रहे हो? मैं बंबई छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। राम भैया आप आते जाते रहेंगे ना? राम बाबू इसकी बात बिल्कुल मत सुनो, तुम पहले आदमी जो इस बस्ती की दलदल को छोड़ के बाहर जा रहे हो, यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से निकलते यहाँ का रास्ता भूल जाना, सुखी रहोगे। पांडू भाई मुझे आप लोगों से बहुत हमदर्दी है। राम भैया ई पान लगवाए बहुत प्यार से। जरूर खाऊंगा, आप लोग और आप लोगों का प्यार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। केला राम एक पान हमको भी खिला दो, आज हम पान के पैसे खो देंगे। अरे पांडू हाथ रसी रह दो, तो के पान क्यावे खातिर बहुत समय पड़ा है, तो के तही बस्ती में सड़े के हो और सैकल साहब का गाना गावे के हो। राम भैया ये जब मर के ऊपर पहुंचेंगे ना तो सैकल साहब इन्हें पकड़ के इतने जूते लगाएंगे, इतने जूते लगाएंगे कि फिर से जन्म लेना भूल जाएंगे। अरे बहादुर रोजी का यही हूँ मैं, ये देखने के लिए कि राम जाते वक्त मुझे याद करता है कि नहीं। अरे तुम भी कोई भूलने की चीज हो रोजी, तुमने और रहीम ने हमेशा के लिए मेरे दिल में जगह बना ली है। रहीम है किधर? रहीम भाई वहां खड़े हैं। ये क्या रहीम तुम यहाँ उदास खड़े हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश किस बात पे खुश हूँ? तुम छोड़कर जा रहे हो यार, पहला यार है जो मिलते ही दिल में घर कर गया, और अब इस तरह जाने से ठीक है। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आता जाता रहूंगा। चला रहीम भैया। अरे रे ये क्या कर रहे हो? आपके पांव छू रहा हूँ, आपने नौकरी दिलाकर मुझे जानवर बनने से बचा लिया। हाँ रहीम इसे नौकरी मैंने दिलवाई है, तुमने इससे वादा किया था ना, तुम्हारे वादे की इज्जत तो रखनी थी। चलता हूँ देर हो रही है।
सलाम रहीम भाई। 10 लीटर डाल दे। अरे रहीम भाई बहुत दिनों बाद दिखे। आजकल इस तरह ना काम होता है भाई मेरे। अरे ये तो नाम का पर्स है, मेरे पास कैसे आ गया? वो साला बाद रात को इधर उधर कर रहा था ना, उसी चक्कर में हो गया होगा। माल तो होगा इसमें। आर के सिंह DCP राम कुमार पुलिस का इतना बड़ा अफसर। हेलो पाटिल, निरंजन सेठ के मर्डर केस की मौके वारदात की चीजें यहां भेज देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, तुम जा सकते हो। ओके सर। निरंजन सेठ का कातिल रहीम तो नहीं? रहीम, बोलो। रतन सेठ, ये रही आपकी टैक्सी की चाबी। आज से मैं काम छोड़ रहा हूं। क्यों? आपको याद होगा उस दिन भी मेरे जमीर ने मुझे टोका था, जिस दिन आपके कहने पर मैंने गुनाह की पगडंडी पर पहला कदम रखा था। और आज भी एहसास हो रहा है कि उस पगडंडी पर चलते चलते मैं गुनाह की दलदल में धंसता जा रहा हूं। मुझे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। मैं जीना चाहता हूं सेठ, एक नेक जिंदगी जीना चाहता हूं। और हां, काम छोड़ने की वजह मुझसे मत पूछना, इसलिए कि मैं बताऊंगा नहीं। रहीम, वजह मैं तुम्हें बताता हूं। वजह है तुम्हारा दोस्त राम, जो एक पुलिस ऑफिसर है। क्यों हैरान हो गए? अरे भाई, ये तो हम बहुत पहले से ही जानते थे। हम चाहते तो कभी का उसे ठिकाने लगा चुके होते, लेकिन हमें मालूम था कि वो हमारे बहादुर और जाबाज साथी रहीम का दोस्त है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। यहां तक कि हमने अपने आदमियों को हिदायत दे रखी थी कि राम पर किसी किस्म की आंच तक ना आने पाए, लेकिन अब जब तुम ही जा रहे हो तो हमें राम से क्या लेना देना। हो सकता है कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही उसका काम तमाम हो चुका हो। कुछ करने से पहले एक बार इतना जरूर सोच लेना कि मैं अपनी दोस्ती के लिए मरना और मारना भी जानता हूं। हमें कब तुम्हारी बहादुरी पर शक है रहीम साहब। फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, इसलिए जाते जाते अपनी बहन रेशमा की शादी का तोहफा तो लेते जाइए। इसका मतलब है उस कत्ल में तेरी साजिश थी, मुझे ब्लैकमेल करने की तेरी चाल थी। एक बात सुन ले रतन सेठ, अगर मैं एक कत्ल कर सकता हूं तो दूसरा कत्ल भी कर सकता हूं, और अगर दूसरा कत्ल हुआ तो वो कत्ल तेरा होगा।
अरे रहीम, तुम्हारे अपने टैक्सी कहाँ है? रहीम, तुमने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? रोजी, मैंने टैक्सी का धंधा वंदा छोड़ दिया है और शायद मैं ये बस्ती भी छोड़कर चला जाऊं। मगर क्यों, हुआ क्या है? रोजी, मुझे गलत मत समझना, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं कि मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी तुमसे मिलता जरूर रहूंगा। तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। मुझे बताओ, शायद तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो, वो राम जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता रहा, उसने दोस्ती की आड़ में मुझसे झूठ बोला कि वो बेरोजगार है, वो नौकरी की तलाश में यहां आया है। मुझे तो ये भी शक है कि वो इलाहाबाद का रहने वाला है भी या नहीं। तो फिर कौन है वो? वो पुलिस का एक बहुत बड़ा अफसर है जो भेष बदल कर हमारे साथ रहता रहा। जब उसका यहां कोई काम नहीं बना तो ये कहकर यहां से निकल गया कि उसे कहीं और नौकरी मिल गई है। अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर वो है तो तुम्हारा दोस्त ना। ये पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते रोजी, ये थोड़ी सी शोहरत मेडल्स की खातिर दोस्ती और जज्बात को कुर्बान कर डालते हैं। लेकिन हमारे राम ऐसा नहीं है। हो सकता है ये बात इसलिए छुपाई हो कि तुम्हारे जरिए वो किसी मुजरिम तक पहुंच सके। ये फासला तय करने के लिए उसे कई सदियां लग जाएंगी। रहीम आइए। राम कुमार सिंह साहब, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज होगे, लेकिन उस वक्त मैं ड्यूटी पर था। मैं यहां किसी कातिल की तलाश में आया था। कातिल तो नहीं मिला, लेकिन एक दोस्त मिल गया। और दोस्ती की आड़ में मेरे जज्बात से खेलते रहे, बात बात में मुझसे झूठ बोलते रहे। उस दिन होटल के बाहर जिस आदमी को देखा वो तुम ही तो थे। उस दिन मुझसे साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं वो नहीं था। यार इस तरह बेवकूफ बनाने क्या जरूरत थी मुझे? मैं ड्यूटी और दोस्ती दोनों अलग अलग रखना चाहता था। दोस्ती बहुत पर्सनल चीज है, प्राइवेट है, निजी है। रहीम, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और के साथ दोस्ती नहीं की। ड्यूटी के लिए जिंदा हूं और दोस्ती के लिए जान दे सकता हूं। राम, यह माफ कर दे मुझे। मैं पता नहीं गुस्से में क्या बोल रहा हूं। तेरा पर्स ये, बैठ तो बैठ। हाँ। अरे रहीम, तूने अपने पर्स में वो टूटा हुआ लॉकेट क्यों रखा हुआ? वो मेरे अब्बा मियां की निशानी है यार, उसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये ले तेरा पर्स, क्या पिएगा, चाय? अरे नहीं, कुछ नहीं। रोजी कहाँ? वो यार बड़ी परेशान थी कि क्या हो गया आपस में। मैं उसको जरा लेकर आता हूँ, उसकी हाँ। परेशानी भी दूर हो जाएगी। पर्स को लेबोरेटरी भिजवाओ और इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मंगवाओ और कत्ल की जगह पाए गए रिवॉल्वर की फिंगरप्रिंट से उसको मैच करो। राइट सर। कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? सर करीब एक हफ्ता तो लग जाएगा। अच्छा ठीक, ओके ओके सर। एक टिकट तो आपको लेना ही पड़ेगा। या, या, या। प्लीज ले लीजिए ना अंकल। अंकल, माशूक कहे कि आप हमारे हैं बुजुर्ग, ना चीज को यह दिन ना दिखाना या रब। टिकट तो ले लीजिए ना प्लीज, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। या, या, या। हेलो रेशमा। अरे इलाहाबादी, तुम ये कार पलट कैसे हो गई? पहले तो टैक्सी चलाते थे, अब कार में घूमने लगे हो। हुआ ऐसे के मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है। और ये कार? ये कार तो मुझे कंपनी की तरफ से मिली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू। ये याया का भाई? दो टिकट्स ले लो पार्टनर,
सब समझ जाओगे। काहे की टिकटे? हमारे कॉलेज में एक चैरिटी शो होने वाला है। चैरिटी शो कौन कर रहा है? हम सब और रेशमा। अच्छा, शो आप कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे आगे की सीट का टिकट मिल सकता है? ब्लैक में मिल सकता है। हाँ सब समझ गया याया। याया का मतलब मेरा 100 रुपए गया, ये लीजिए। अरे वो बुड्ढा तो निकल गया। शुक्र है ये लोग गए। वैसे भी मैं कई दिनों से तुमसे मिलने की सोच रहा था। वो किस खुशी में? अब मुझे तुम्हारा पता पूछना था ना। वो किस खुशी में? तुम्हारे पिताजी से मिलना है। पिताजी नहीं, बड़े भाई हैं। हाँ हाँ, बड़े भाई से ही, उनसे मिलना है। वो किस खुशी में? देखो बात आगे बढ़ानी हो तो लड़की के बुजुर्गों से मिलना पड़ता है ना। वो किस खुशी में? देखो अगर मैं साफ साफ बोलूंगा तो तुम शर्मा जाओगी। मैं तो नहीं शर्माती हूँ। नहीं शर्माओगी? लगी शर्त? टैनू, तुम्हारे भैया से मेरी और तुम्हारी शादी की बात करनी है। हाँ, शर्मा गई ना। चलो अब पता बता दो। भैया तो कहीं और रहते हैं, कभी कभी घर आया करते हैं। तुम ऐसा करना, शो पर आ जाना, वहीं मिलवा दूंगी। या, या, या। Thank you.
अरे रेशमा, तुम्हारे आइटम ने तो कमाल ही कर दिया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तुम्हें कैसा लगा? एक्सेलेंट। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो आज नहीं आए, शायद उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इसी बहाने तुम्हारे भैया से मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले मैं कोई मौका देखकर भैया से बात कर लेती हूँ, फिर मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। अच्छा रेशमा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ओके फिर मिलूंगी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कब? कल? अच्छा ठीक है। साहब जी, एक रहीम के ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब तक तो छोटे मोटे कंसाइनमेंट पकड़े गए थे, लेकिन कल तो एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। अगर इस कंसाइनमेंट के लिए रहीम की जरूरत है तो रहीम आ जाएगा। मुझे तो उसका आना मुश्किल लगता है। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता। जब मैंने कहा है कि रहीम आ जाएगा तो रहीम आ जाएगा। उससे बुलाने के तरीके मुझे मालूम है। टॉमी, टॉमी, अम्मा, सुबह से टॉमी नहीं दिख रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तेरा लाडला है, तू ही जान। कॉलेज जा रही है लाडो रानी। क्या भैया, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है? मैंने वो लॉकेट बनवाने दिया था, वो अभी तक नहीं बना क्या? रेशमा, वो लॉकेट तो ठीक नहीं हो सकता, दूसरा बनवाया है, बहुत अच्छा है, तुझे पसंद आएगा। अच्छा चल कॉलेज चल। बाय। हाँ अपनी रेशमा बीए पास कर लेगी, इसके बाद उसे आगे पढ़ाया जाए। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ बेटा, इसके ब्याह की सोच, अब कोई अच्छा सा लड़का देख ले इसके लिए। हाँ एक लड़का है मेरी नजर में, मगर वो भैया। क्या हुआ भैया? टॉमी, टॉमी को किसी ने मार डाला, उसके पट्टे से चिट्ठी मिली है। शायद तुम भूल गए हो रहीम के रतन सेठ की मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, फिर तुम हमारा काम करने से कैसे इंकार कर सकते हो? रहीम, ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी के बेडरूम में आने का ये कौन सा तरीका है? बुज़दिल एक बेजुबान कुत्ते को मारकर तू अपने आप को शेर समझने लगा है? ये तो तुम्हें बताने का एक तरीका था कि मौत उनकी तकदीर बन जाती है जो हमारे हुक्म और गुलामी के दायरे से भागने की कोशिश करते हैं। तो रहीम को भूल गया है, जो लोगों के लिए मौत बन जाता है जो उसके रास्ते में दीवार बनने की कोशिश करते हैं। आज मैं तुझे खत्म करके उन तमाम सबूतों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा जिनकी वजह से आज तक तू मुझे ब्लैकमेल करता है। नेगेटिव कहां है? मैं पूछता हूं नेगेटिव कहां है? नेगेटिव मेरे हवाले कर दो वरना। नहीं, तुम्हें नेगेटिव चाहिए ना, मैं देता हूं। आज तक तुम मेरी रीढ़ की हड्डी पर एक केंचू की तरह रेंग रहा था, आज से मैं आजाद हूं। आइंदा मेरे घर वालों की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी कांप उठे। आज से तेरे मेरे तमाम रिश्ते खत्म, ना दोस्ती ना दुश्मनी।
दोस्ती तो कभी थी ही नहीं, और दुश्मनी तुम अब देखोगे। अरे अब बस भी कर बेटी, बस भी कर, तेरे रोने से टॉमी थोड़ी जिंदा हो जाएगा। पर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। बेटी रहीम से कहकर मैं तेरे लिए दूसरा पिल्ला मंगा दूंगी। चुप हो जा। थैंक यू भैया। थैंक यू। अच्छा नोमा। अच्छा भैया इसका नाम क्या है? इसका नाम इसके अब्बा से पूछ कर आता हूँ। अब्बा ना मिला तो अम्मा से पूछ लूंगा। अरे मुझे क्या मालूम इसका क्या नाम। एक काम करते हैं, उसका नाम टॉमी था, इसका नाम टॉमी जूनियर कैसा रहेगा? नहीं इसका नाम टॉमी जूनियर नहीं, इसका नाम सिर्फ जूनियर रखेंगे, है ना? थैंक यू भैया, थैंक यू वंस अगेन, यू आर द मोस्ट वंडरफुल ब्रदर इन द वर्ल्ड। क्या? हाँ हाँ भाई अच्छा है, पर बेटा तो खराब है। क्यों जी, मैंने क्यों, क्या क्यों? किया है? अरे अपनी माँ के लिए एक बहू भी नहीं ला सकता, मैं तुझे अच्छा कहूँ या खराब कहूँ? अम्मा ये रिकॉर्ड सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, रिकॉर्ड घिस गया है, लेकिन आपने ये रिकॉर्ड बजाना बंद नहीं किया। लेकिन भैया मुझे भाभी चाहिए। भाभी चाहिए तो ठीक है, कुत्ता ले जाता। अरे अरे नो 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 प्लीज। बता भाभी चाहिए कुत्ता चाहिए? दोनों दोनों चाहिए दोनों। अरे अच्छा लो। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी माँ और बहन गांव में रहती हैं। नहीं रोजी, वो मेरे पास यहीं बंबई में रहती हैं, लेकिन मैंने उन्हें छुपा कर रखा है। मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले कि मेरी माँ और बहन यहाँ मेरे पास है। क्यों? एक बहुत बड़ा बोझ था मेरे मन पर, जिसे आज मैंने उतार कर फेंक दिया। कैसा बोझ? ये फिर किसी दिन बताऊंगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपनी माँ और बहन से मिलवाना चाहता हूँ। और उसे अम्मा रेशमा और भैया अरे ये रेशमा है और ये रोजी है। मैं समझ गई। क्या समझ गई? अम्मा भैया मेरी होने वाली भाभी को लाए हैं सलाम करवाने। बेटे बहुत इंतजार करवाया है तूने, मगर जब लाया है तो चांद का टुकड़ा लाया इस घर में। अम्मा भैया का शर्मा ना देखा? आएगा मुझे ले जाएगा।
यू कैन सेंड मी द कंप्लीट रिपोर्ट। सर ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आई है। क्या है? पर्स पर ली गई फिंगरप्रिंट्स और रिवॉल्वर पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स दोनों एक ही आदमी के। यू मे गो। ओके सर। ये तुमने क्या किया रे? आमना बीबी के ललना ये अब्दुल्ला के लाल, आमना बीबी के ललना ये अब्दुल्ला के लाल, नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। किसने मारा इसे? मैं पूछ रहा हूं किसने मारा इसे? इसे रहीम ने मारा रतन सेठ, उसने कहा था कि किसकी गाड़ी है ये? रहीम भाई राम भैया आए हैं। राम है? हाँ दीदी के रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। राम कैसे है? क्या बात है, बड़े परेशान हो? रहीम तकदीर भी क्या क्या इम्तिहान लेती है, तेरी और मेरी दोस्ती के इम्तिहान की घड़ी आ गई है। कैसे इम्तिहान, कैसी घड़ी, बताना क्या है? तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन आज मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा। अगर समझा होता तो आज तक मुझसे वो बात नहीं छुपाते कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे का बोझ तुम अकेले उठाए घूम रहे हो। तुम किस बोझ की बात कर रहे हो राम? क्या हादसा हुआ है रहीम की जिंदगी में? मैं जो कुछ बोल रहा हूं रहीम अच्छी तरह जानता है, शायद इसने तुम्हें भी नहीं बताया कि इसने बहुत बड़े आदमी का खून किया है। खून? किसका खून? निरंजन सेठ का। उसी खून की तफ्तीश करने के लिए मैं यहां आया था। देखो रहीम, मैं जानता हूं कि तुम पेशेवर मुजरिम नहीं हो, मगर मैं ये नहीं जानता कि किस हालत में तुमने वो खून किया, लेकिन जुर्म तो जुर्म ही होता है। राम तुम एक आला पुलिस ऑफिसर हो, तुम अच्छी तरह जानते होगे कि हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है। मैं वो कहानी जानना चाहता हूं। कहानी भी बताऊंगा, फिलहाल तुम अपना फर्ज पूरा करो। मैं भी कितना बदनसीब हो रही कि अपने दोस्त को गिरफ्तार करने का काम मुझे ही सौंपा गया। तुम गिरफ्तार करोगे रहीम को, जिसके साथ एक थाली में खाना खाया, जिसने बिना जान पहचान तुम्हें सहारा दिया सिर्फ इसलिए कि तुम इलाहाबाद के रहने वाले हो। क्या इलाहाबाद के लोग ऐसे ही होते हैं? राम
अगर तुमने रहीम को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोजी, राम को उसका फर्ज पूरा करने दो। तो क्या इसका मेरी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता? तुम्हारी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता? राम मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है रोजी। और राम बाबू, हम रहीम भैया को ले जाने देंगे। जे रहीम भैया को ले जाने की कोशिश करेगा हम लोग जान से मार देंगे। अरे मरने मारने की बात मत करो भैया, इन दोनों में से अगर एक भी मर गया तो शाम तक हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाएगा और ये आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। रहीम को छोड़ दो राम, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। जब किसी ने राम को छुआ भी, राम और तुम्हारे दरमियान मैं खड़ा हूं। हिम्मत है तो उठाओ लाठी, मारो मुझे। बात का बतंगड़ क्यों मना रहे हो तुम लोग? राम मुझे नहीं ले जा रहा, मैं राम के साथ जा रहा हूं। बात को समझा करो। और राम मत करो रोजी, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, सब बस्ती वालों की दुआएं मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? पुलिस का कहना है उसने किसी का खून किया है। खून? माँ जी, अम्मा, रोजी, रोजी, तुम मामा का ख्याल रखना, मैं भैया से मिलकर आती हूँ। माँ जी, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि तुम जैसा नेक और शरीफ इंसान, जिसने मुझ जैसे गैर और अजनबी को अपने दिल में इतनी जगह दी, वो किसी का कातिल भी हो सकता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रहीम? देखो, तुम्हें एक कातिल की तलाश थी, वो तुम्हें मिल गया। अब मेरे जख्मों को खरीदने से क्या फायदा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें गिरफ्तार करके अपनी वर्दी का फर्ज अदा किया है, लेकिन अब मैं दोस्ती का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। प्लीज रहीम, मेरी मदद करो। तुमने बस्ती में कहा था कि हर मुजरिम के पीछे एक कहानी होती है, मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ। प्लीज, तुम्हें दोस्ती की कसम। तुम लोग बाहर जाओ। अब बोलो। मैं भी कातिल पैदा नहीं हुआ था राम, अपने और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ट्रक चलाता था मैं। बहुत खुश था अपने काम के साथ, अपनी मां, अपनी बहन के साथ जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। एक दिन अचानक पता चला मेरा ट्रक स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और मैं अपने ट्रक में चरस, फीम, गांजा जैसी चीजें अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा हूं। जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, मेरा खून खौल उठा और मैं अपनी कंपनी के दफ्तर पहुंचा। अभी अंदर नहीं जाओ रहीम खान, सेठ लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे नहीं मालूम था रतन कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे। तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हारे नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, बिना पैसे लगा तुम्हें भागीदार बनाया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुमने 50 लाख रुपया कंपनी का खवन किया है। निरंजन सेठ, तुम्हें हिसाब किताब करने में जरूर कहीं कुछ गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई मुझसे। ये देखो,
ये है ऑडिटर की रिपोर्ट। सुनो, मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने कंपनी का 50 लाख रुपया नहीं लौटाया तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस तरह पैसा वसूल करूंगा तुमसे। अरे तुम अभी तक ट्रक लेकर गए नहीं? ये क्या? अगर मुझे पता होता ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में स्मगलिंग का धंधा करते हो तो कभी इस कंपनी की ट्रक नहीं चलाता। अगर ये माल पकड़ा जाता तो लोग यही कहते ना कि रहीम स्मगलर है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जान से ज्यादा मेरी ईमानदारी की कसम खाती हैं। उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता मैं। और जिस ट्रक पे अल्लाह निगेबान लिखा है उसी में ये लानत लदवा दी। सेठ, आज से इस कंपनी की नौकरी नहीं करूंगा। ठहरो रहीम, अब मेरी बात भी सुनते जाओ। जितनी हैरानगी तुम्हें हुई है कि तुम्हारी ट्रक में ड्रग्स लादे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा हैरानगी मुझे हुई है। दरअसल तुम्हारे ट्रक में निरंजन दास की दूसरी कंपनियों का माल लादा जाता था लेकिन उसमें ड्रग्स होते थे ये मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, और अब मेरी समझ में आया कि उसने ये ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे नाम पर क्यों खोली थी, ताकि अगर कभी माल पकड़ा जाए तो पकड़े जाएंगे हम और तुम, क्योंकि मैं हूं कंपनी का मालिक और तुम हो ट्रक ड्राइवर। लेकिन अभी तुम बात अपने तक ही रखो, मैं निरंजन दास से बात करूंगा। ठीक है रतन सेठ, तुम्हारा नमक खाया है। रहीम अल्लाह के बाद नमक को मानता है। मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन इसके बाद फिर कोई ऐसी गंदी हरकत हुई तो मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगा दूंगा। गुलजार सिंह जी, फौरन अंदर आओ। आपने बुलाया सेठ जी? गुलजार सिंह जी, सेठ निरंजन दास हमें धमकी देकर गया है और रहीम को मालूम हो गया है कि उसकी ट्रक में हम ड्रग्स भेजते हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी, क्योंकि रहीम एक खुदापरस्त इंसान है और वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर निरंजन सेठ की धमकी को भी आप खोखली धमकी मत समझिए, उनका तो उठना बैठना ही मिनिस्टरों के साथ है। वो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं और फिर वो एक माने हुए समाज सेवक भी हैं। जानता हूं कैसा समाज सेवक है वो। समाज सेवा की आड़ में हर रोज एक ना एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है। सेठ निरंजन दास की सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की और रहीम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी बहन। यानी एक तीर से दो शिकार। गुलजार सिंह जी, तुम रहीम का घर जानते हो ना? जानता हूं। जी, ये रहीम का घर है? जी हाँ। और आप? मैं उनकी बहन हूँ। तो जल्दी चलिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है भैया? सेठ जी की कोठी पर। ओह माय गॉड, घर में माँ भी नहीं आ। आप घबराइए मत, मैं अपना ड्राइवर यहाँ छोड़ जाता हूँ, वो माँ जी को लेकर आ जाएगा। आप जल्दी चलिए। चलिए। सेठ, आप पीछे पीछे चले आए, क्या बात है? बात बहुत बुरी है रहीम, मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया होता लेकिन उसमें तुम्हारे खानदान की बदनामी हो जाती। ऐसी क्या बात हो गई? निरंजन दास को मालूम हो गया है कि तुम मेरे ऑफिस में आए थे, उसने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हारी बहन को उठवा लिया। मैं उसका खून पी जाऊंगा। कहां होगा वो? अपने जुहू वाले बंगले में। ठहरो रहीम, वो वहां अकेला नहीं होगा, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए इसे अपने साथ रखो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे धोखे से लाया गया है। अब यहाँ आई गई हो जाने मन, तो हमारी
हमारी शाम रंगीन बना के जाओ, हम तुम्हें बहुत खुश कर देंगे। जाने मन, अरे भाग दौड़ करने की हमारी उम्र नहीं है। वक्त जाया मत करो मेरी जान। अरे तेरी रेशमा, बस बेटी बस, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देख जो हो गया है ना, इसका भूल कर भी किसी से जिक्र नहीं करना। ये तुमने क्या किया रहीम? मैंने तो तुम्हें पिस्तौल तुम्हारी हिफाजत के लिए दी थी, ना कि निरंजन का कत्ल करने के लिए। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी नजरों में तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे मार ही देना चाहिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता सेठ। आपने अगर मुझे वक्त पर खबर ना की होती तो मेरी बहन तो जीते जी मर गई होती, और मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जो हो गया उसे भूल जाओ रहीम। अपने दिल से यह बोझ उतार दो कि तुमने कोई कत्ल किया है। ये राज रेशमा तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा। ये रहीम आज से आपका गुलाम हो गया है सेठ। जिंदगी में कभी किसी वक्त मैं आपके काम आ सकूं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। उसकी अब नौबत नहीं आएगी रहीम। ये कंपनी तो शायद अब बंद ही करनी पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी? क्यों? सेठ निरंजन दास की गारंटी पर मैंने करीबन 1 करोड़ रुपया उधार उठा रखा था। उसके मरने की खबर सुनते ही लेनदार आकर मेरा गला पकड़ लेंगे। मैं अपने आप को बेच भी दूं तो भी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकूंगा। इतनी बड़ी रकम सेठ? मेरे पास रेशमा के कुछ गहने हैं, कहो तो ले आओ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बहन के गहने बेचने से पहले मैं मरने जाऊंगा? अब तो मेरे सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो मैं खुदकुशी कर लूं या क्या? दूसरा रास्ता क्या है सेठ, मुझे बताओ। मुझे पता चला है कि निरंजन की 2.5 करोड़ की ड्रग्स मेरे गोदाम में पड़ी हैं। अगर मैं वो ड्रग्स बेच दूं तो शायद बच सकूंगा, लेकिन ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं, और ऐसा काम करने के लिए मैं किस पर भरोसा करूं किस पर ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। आप मुझ पे भरोसा कीजिए सेठ, आपके लिए मैं जहन्नुम की आग में भी चलने के लिए तैयार हूं। आपका ये माल मैं ठिकाने पर पहुंचाऊंगा। रहीम, ये तो तुमने मुझे अपने एहसानों तले दबा लिया। देखो आज से तुम ट्रक चलाना बंद कर दो, मैं तुम्हें एक टैक्सी ले दूंगा, और उस टैक्सी में तुम सारा माल आहिस्ता आहिस्ता जगह जगह पहुंचाते रहो। जैसे ही मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा बाकी सारा माल उठाकर मैं समुद्र में फेंक दूंगा। जिन हालात में तुमने यह सब किया, तुम्हारी जगह कोई भी होता यही करता। मगर इस जुर्म के पीछे जितना हाथ तुम्हारा है उतना रतन सेठ का भी है। इसलिए अगर
तुम्हें सजा होगी तो आजाद मैं उसे भी नहीं घूमने दूंगा। भैया भैया ये सब क्या हो गया भैया, ये सब क्या हो गया? नहीं पगली, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होता अगर मैं मर गई होती, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसी बात नहीं है, आपकी मुसीबतों की जड़ हूँ भैया। नहीं मर जाने दिया होता, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने दिया होता। कैसी बातें कर रही हो? राम तुम? हाँ रेशमा, बदकिस्मती से मैंने रहीम को गिरफ्तार किया है। तुम पुलिस अफसर हो, मगर तुम तो टैक्सी। जब मैं टैक्सी चलाया करता था तब भी मैं पुलिस ऑफिसर था। तो तुम आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे और आज मेरे देवता जैसे भाई को गिरफ्तार कर लिया। मैं पूछती हूँ, अपनी बहन की आबरू बचाना इस देश में जुर्म कब से हो गया? नहीं पगली, राम ने अपना फर्ज पूरा किया है। अरे राम, यही वो लड़की है जिसके बारे में तू बात किया करता था? हाँ रही, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारी बहन है। अरे मैं तो तेरे और रेशमा के ब्याह के सपने देखा करता था, मैं तो जी ही इसी के लिए रहा हूं। अल्लाह कसम आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आज मेरी जिंदगी की तलाश खत्म हो गई, मेरी जद्दोजहद खत्म हो गई है। तुम्हारा और रेशमा का ब्याह हो जाए, उसके बाद भले मुझे फांसी लग जाए, मुझे किसी बात का डर नहीं। नहीं भैया ऐसा मत कहो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर मेरे भैया को कुछ हो गया ना, तो इस दुनिया से इंसानियत और शराफत का नाम मिट जाएगा। मुझ जैसी अनाथ को सहारा देने वाला नहीं रहेगा। अनाथ? तो क्या रहीम तुम्हारा सगा भाई नहीं है? सगे भाई को तो मैंने कभी देखा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दुनिया के हर लड़की का भाई मेरे रहीम भैया जैसा हो। तुम क्या कह रही हो, मेरी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ, आओ मेरे साथ। ये देखो, हैरान हो गए ना, ये रहीम का घर है और इस शंकर जी का मंदिर भी रहीम के घर में है। मगर धर्मों की काल कोठरी में बंद इस दुनिया के लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते, आप भी नहीं जान सकते कि हिंदू रेशमा उस मुसलमान रहीम की बहन है। सच पूछे तो मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर असली रिश्ते खून के होते ही नहीं है, क्योंकि अगर खून बहता तो रिश्ते भी बह जाते। तो फिर तुम्हारा और रहीम का ये भाई बहन का रिश्ता? रिश्तों का कोई धर्म नहीं होता राम साहब, ना तो आप गीता पढ़ते पैदा हुए थे और ना रहीम भैया कुरान पढ़ते हुए। और ये जो मंदिर है, ये मेरे लिए मेरे मुसलमान भैया ने बनवाया है। 15 साल पहले मैं मेरे माता पिता के साथ बाइकला में फातिमा मंजिल में रहती थी। उस साल बंबई में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी, कई मकान गिर गए, फातिमा मंजिल भी उन्हीं में से एक थी। मेरे माता पिता उसी बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गए। करीम चाचा रहीम भैया के अब्बा उसी एक्सीडेंट में मारे गए। अम्मा मुझे बचाकर यहां ले आई। कई महीनों तक उन्होंने इंतजार किया कि मेरा कोई रिश्तेदार आएगा और मुझे ले जाएगा। मुझे लेने कोई नहीं आया। सब लोग अम्मा से कहने लगे, इस बच्चे को अनाथालय में भर्ती कर दो। मगर रहीम भैया ने किसी की न सुनी और मुझे बहन बनाकर इस घर में रहने दिया। तब मैं 3-4 साल की लावारिस बच्ची थी, अपने नाम के सिवा मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं हिंदू हूं। एक दिन अम्मी नमाज पढ़ रही थी, मैं उनके पास खड़ी उन्हीं की तरह उठ बैठ रही थी और सजदे में जा रही थी। भैया ने मुझे समझाया कि मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैंने कहा अम्मी तो पढ़ती है, तो बोले अम्मी मुसलमान है। मैंने कहा मुसलमान क्या होता है? भैया के पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं था। वो बोले अम्मी मुसलमान है और तुम हिंदू हो। मैंने कहा हिंदू क्या होता है? भैया के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था। फिर मैंने पूछा कि अगर अम्मी मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, तो तुम क्या हो? भैया ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, मैं तेरा भैया हूं। मुझे नाज है अपने दोस्त पर। मैं रहीम की दोस्ती की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बड़ा सीधा है मेरा दोस्त, उसके भोलेपन का फायदा उठाकर रतन सेठ ने उसे खून करवाया और अब रहीम को बचाने के लिए
रतन सेठ को बेनकाब करना ही होगा। ले चलो सर। सारे गोदाम जल गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरे बीसियों आदमी पुलिस की हिरासत में हैं, जो कभी भी पुलिस के दबाव में आकर मेरे खिलाफ सब कुछ उगल सकते हैं। और जिस हरामजादे ने ये सब कुछ किया है वो अभी तक जिंदा है। हम कर भी क्या सकते हैं रतन सेठ, वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की हिरासत में है, पाताल में तो नहीं चला गया? जाओ और जाकर लॉकअप में उसे खत्म कर दो। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे नहीं दिखाना, समझे? अपनी बहन की इज्जत बचाना एक भाई का फर्ज है बेटे, पर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। कैसे बताता अम्मा, ये बात सुनकर तुम जिंदा रह सकती थी? ये बात तो मैं खुद को भी बताना नहीं चाहता था कि किसी कमीने के गंदे हाथ मेरी बहन की ओढ़नी तक पहुंचे हैं। पर अम्मा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस बेटे के केस की पैरवी तुम्हारा छोटा बेटा राम कर रहा है। मैं उस राम से क्या उम्मीद लगाऊं जिसने तुझे गिरफ्तार कर लिया बेटे। वो अपना फर्ज निभा रहा है अम्मा। आग लगे ऐसे फर्ज को, आग लगे जो भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करके रख दिया है। अम्मा, वो भाई ही नहीं, अब तो हमारा दूल्हा भाई भी है। क्या रेशमा के बारे में राम से तुम्हारी कोई बात हुई है? अम्मा, अब तुम इत्मीनान से घर जाओ, राम और रेशमा के ब्याह की तैयारी करो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम जल्दी यहां से निकल जाओ। भाग लो कुत्तो, जहां तक भाग सकते हो। नहीं छोड़ूंगा मैं, अब नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। रहीम, ये सब राम, मेरी माँ को मार डाला उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। राम, रहीम, वो लोग कौन थे? कौन थे वो लोग? वो जो भी थे, अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। रोजी, रेशमा का ख्याल रखना। Thank you.
का पीछा करो। इसके जरिए हम रतन सेठ तक पहुंच सकते हैं। हम लोग क्या कहीं जा रहे हैं डार्लिंग? नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूं। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। शहर में नाकाबंदी हो गई है, लेकिन रतन सेठ को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रतन सेठ हवा का वो झोंका है जो जब चाहे जिधर से चाहे निकल सकता है। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि इस सफर में तुम एक्स्ट्रा लगेज हो, और एक्स्ट्रा लगेज लेकर मैं कभी सफर नहीं करता। गुड बाय। किसने मारा तुम्हें? रतन सेठ ने। कहाँ है वो हरामजादा? बोट अभी नहीं आई? बस थोड़ी देर में आ जाएगी। गाड़ी वापस भेज दो। सब ठीक है ना? जी हाँ। सेठ जी, बंगले से फोन आया है, रहीम पुलिस की हिरासत से भाग निकला है और वह यहीं आ रहा है। ए, तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, जैसे ही रहीम नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। हाँ, मुझे सब पता चल गया है। मैं डॉक से ही बोल रहा हूँ, तुम फौरन चले आओ। मैंने रहीम का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, तुम फौरन आ जाओ।
हेलो बोट का क्या हुआ? सरजी बोट आ गई है। आ गई? अपनी मौत से बचकर तू नहीं जा सकता। कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। अच्छा राम, ये मेरी मां का खून ही है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहीम, नहीं। राम, उस कत्ल के लिए मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार नहीं, मगर इसका कत्ल करके मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जिस कत्ल का इल्जाम तुम पर है, उस कत्ल के जुर्म में मैं इसे सजा दिलवाऊंगा, मुझ पे भरोसा रखो। छोड़ दे राम। हम अपनी बहन के होने वाले सुहाग को कैसे मिटने देता? अब मौत भी आ जाए। नहीं रहीम, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ भैया को, कैसे है वो? घबराओ मत रेशमा, सब ठीक हो जाएगा। मगर रहीम है कहाँ, क्या हुआ है उसको? वो राम भैया कहाँ है रहीम? सुना उनको गोली लग गई। उसने मुझ पर आती हुई गोली अपने ऊपर ले ली। क्या? थैंक गॉड, खतरा टल गया है, उसे होश आ गया है, आप सब लोग उसे मिल सकते हैं। राम, मेरे यार, मेरे भाई, अब तुम अपना फर्ज पूरा कर सकते हो। रतन को मारने के बाद मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया।
अब मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? ये केस मेरे पास है रहीम, और मैं इस केस की तह तक पहुंच चुका हूं। तुमने इस केस में कानून की बहुत मदद की है, और कानून कभी एहसान फरामोश नहीं होता। राम, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही होगा। रोजी, तुम घर पहुंचो, मैं रहीम को लेकर आता हूं। मैं तेरी जल्दबाजी समझ रहा हूं राम। कैसी जल्दबाजी? एक, जब तक मैं जेल से वापस नहीं आ जाता, तुम्हारी और रेशमा की शादी कैसे होगी? भैया,